भिंड में दो बेटों ने एक अधेड़ की हत्या कर दी। जी हाँ, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन आई नजर डालते हैं इस खास खबर पर। अवैध संबंधों के चलते एक महिला के बेटों ने अधेड़ युवक की हत्या कर दी। हत्या को छुपाने के लिए आरोपियों ने अपने मृतक पिता के नाम का इस्तेमाल कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। उनके नाम के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जुर्म छुपाया। इस मामले में पुलिस तत्कालीन थाना प्रभारी की भूमिका की भी जांच करेगी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपी बनाए हैं। पुलिस ने बताया कि मुताबिक बरोही थाना क्षेत्र के मदनपुरा गांव में रहने वाले 50 साल मृतक श्यामलाल जाटव का गांव की ही एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इस बात का पता महिला के बेटों लालू और ओमकार को लगा तो वे पिछले साल 31 मई को अपने जीजा गजेंद्र के साथ श्यामलाल के घर पहुंच गए। उस वक्त श्यामलाल घर पर बिल्कुल अकेला था। यहां उन्होंने मिलकर श्यामलाल की जबरदस्त पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान श्यामलाल छत से गिर गया और उसकी हालत गंभीर हो गई। तीनों आरोपियों ने किसी को बिना बताए श्यामलाल को गोलमी अस्पताल पहुंचाया, जहां जब पीड़ित की हालत और बिगड़ी तो उसे ग्वालियर के जीआरओ के अस्पताल ले गए। तो ये थी हमारी इस वक्त की अपडेट, और इसी तरह की अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। नमस्कार।